काम धातु मतलब इच्छाओं की दुनिया, रूप धातु मतलब रूपों की दुनिया और अरूप धातु मतलब अरूपों की दुनिया। इसी दुनिया में मनुष्य का जीवन चलता रहता है। बुद्ध के इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये कई सालों तक ज्वालामुखी के मलबे के बीच और जंगलों के बीच ढका रहा। तेरी मकासी। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। ऊपर से मतलब ड्रोन उड़ा के अगर हम ऊपर से देखें ना तो एक तंत्र मंडल कैसे दिखाई देता है। थैंक यू, तेरी मकासी। यहाँ पे घूम रहा हूँ ना यार दोस्तों, तो एक सेलिब्रिटी जैसा फील आ रहा है। ये इंडोनेशिया के सारे लड़के, ये स्कूल के लड़कियाँ, बच्चे सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम योग्यकर्ता। दोस्तों हम हैं इंडोनेशिया की सबसे हेरिटेज सिटी योग्यकर्ता में और 6 देशों की साइकिल यात्रा में आज है अपना 88 डेज। आज है 27 नवंबर। आज हम जा रहे हैं योग्यकर्ता की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हेरिटेज साइट बौद्ध मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध विहार जहाँ पे मौजूद है ऐसे योग्यकर्ता के बोरोबुदुर मंदिर। एक्चुअली सनराइज टूर के लिए बोरोबुदुर टेम्पल जाना पड़ता है, उसके लिए 3:30 बजे से ही यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। लगभग 50-55 किलोमीटर की जर्नी रहती है और हमें 4:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था क्योंकि 5:15 बजे सनराइज हो जाता है। अभी जो आप ये पूरा जो ये देख रहे हैं ये सुबह के 5:40 का है, सनराइज हो चुका है। हमको थोड़ा लेट हो गया है इसलिए कोई बात नहीं, अभी भी हम जागेंगे और बोरोबुदुर टेंपल एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा किस प्रकार आप बोरोबुदुर टेंपल की विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं 6 देशों की साइकिल यात्रा में। हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया में घूम रहे और इंडोनेशिया की हेरिटेज साइटी योग्यकर्ता के बोरोबुदुर टेंपल की विजिट करके मैं पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगा, इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाने की बहुत ही कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। कल मैंने मोटर बाइक रात को ही रेंट को ली थी क्योंकि 9 बजे खुलती है। अभी 5:30 बजे आपको कोई मोटर बाइक नहीं मिलेगी। कल अगर आपको बोरोबुदुर जाना है सनराइज के लिए तो रात को ही मोटर बाइक रेंट पे ले लीजिए। तो मैंने किस प्रकार मोटर बाइक ली ये जरा आप देख लीजिए। तो मैं आया हूँ दोस्तों लंपू यांगन रेलवे स्टेशन के सामने, यहाँ पे बाइक में रेंट करने के लिए आया हूँ। अगर आप योग्यकर्ता में हो और बाइक रेंट करना चाहते हो कम बजट में, सबसे सस्ते में, तो लंपू यांगन रेलवे स्टेशन के सामने बहुत सारे बाइक रेंटल के शॉप्स रहते हैं, वहीं से आप बाइक रेंट कर सकते हो। और यहीं से अभी मैं बाइक रेंट कर रहा हूँ। पासपोर्ट ये लेते ही मैं बोला यार पासपोर्ट मत लो, डिपॉजिट कुछ ज़्यादा लेना चाहते तो लो, लेकिन वो बोले नहीं सर गारंटी के लिए हम पासपोर्ट रखते ही, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट लिया है और बाइक अब यहाँ से ले रहे हैं 80,000 इंडोनेशियन रुपीज़, मतलब लगभग अपने करेंसी में हो गए 400-425 रुपये के करीब एक दिन मतलब 24 घंटे। अभी 7 बजे मैं बाइक ले रहा हूँ, कल शाम 7 बजे तक बाइक मेरे पास रहेगी। सुबह हमें जल्दी जाना है बोरोबुदुर टेम्पल के सनराइज़ के लिए, सुबह ये क्लोज रहेगा इसलिए मैं अभी से बाइक लेके मेरे पास रख रहा हूँ। बाइक लेकर पेट्रोल आज ही भरा के रख रहे हैं हम क्योंकि कल सुबह जल्दी जाएंगे हम मंदिर का दर्शन करने के लिए, क्योंकि तब सुबह 3-4 बजे ये खुले नहीं रहेंगे पेट्रोल पंप, इसे अभी भरवा के रख रहा हूँ। पेट्रोल का जो रेट है इंडोनेशिया में वो 10,000 इंडोनेशियन रुपीज लीटर, मतलब अपने इंडियन करेंसी में लगभग 55 रुपये लीटर। तो मैंने 20,000 का 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया है, टंकी फुल कर दी है 110 का 2 लीटर पेट्रोल डाल के। कल सुबह निकलेंगे बोरोबुदुर और परम्बानंद टेम्पल की तरफ। तो इस प्रकार अभी मोटर बाइक ली है मैंने और मोटर बाइक लेके चल रहे हैं बोरोबुदुर टेम्पल जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चल
तो लगभग 40 किलोमीटर योग्यकर्ता से सिमरंग हाईवे से आने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार का गेट हमें नजर आता है। बोरोबुदुर का बेहद ही खूबसूरत ये गेट बनाया गया है दोनों तरफ से, वहाँ भी यहाँ भी, और सामने लिखा गया है सलामत दातांग दी कवास्न बोरोबुदुर। अंदर आने के बाद बेहद ही खूबसूरत रास्तों से अपना सफर गुजरता है बोरोबुदुर की तरफ। ये छोटे छोटे खेतों से होते हुए और बेहद ही काम करते हुए किसान क्या दिखाई देते है। और ये देखिए पानी का झरना, बेहद ही खूबसूरत नजारा ये बोरोबुदुर जाते वक्त। बारिश लगी थी, हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं, चलते रहना है क्योंकि आज सारा बोरो योग्यकर्ता हमें कवर करना है। तो लगभग एक घंटे के जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं बोरोबुदुर के एंट्रांस गेट पे। ये जो आपको पूरा परिसर दिख रहा है ये बोरोबुदुर, और ये ही है यहाँ का पार्किंग एरिया। यहाँ पे अभी बाइक पार्क कर दी मैंने, अंदर बाइक पार्किंग की सुविधा नहीं, अंदर सिर्फ कार लेके जा सकते हम, और अभी पार्किंग करके हाउ मेनी चार्ज लैंडर यू I'm India. Yeah. Oh, yeah, yeah. You know India? No, Indonesia. India, Indonesia is my friend. Yeah. Okay. That's why I and you also friend. Yeah. Then you take money. You don't take money from me. सामने है बोरोबुदुर मंदिर, और यही पे अभी मैंने कॉफी ली है, ब्लैक कॉफी। बिस्कुट तो मैंने वो रेलवे का अपना जब सफर चल रहा था तभी लिया था, तो नाश्ता करेंगे सुबह सुबह। इतने सुबह कॉफी दी, थैंक यू सो मच, तेरी मकासी। वेलकम टू बोरोबुदुर टेम्पल। यहाँ से अभी एंट्री हो गई अपनी, एक्चुअली अंदर बाइक और कार को एंट्री है, बाइक को एंट्री नहीं है। अगर हम साइकिल से यहाँ आते तो साइकिल को एंट्री मिल जाती थी। तो ये बड़ा सा पार्किंग एरिया है यहाँ पे, और देखते अब यहाँ टिकट काउंटर कहाँ है। तो ये है यहाँ का टिकट ऑफिस, सुपेंग रबू ऐसा लिखा गया है। फॉरेन टूरिस्ट टिकट एरिया डी है, मतलब यहाँ पे मिलेगा फॉरेन टिकट अपने को। तो ये क्यू नंबर दिया है हमें अभी, और ये क्यू है, और थैंक यू। तो ये है टिकट काउंटर, और देखते हैं अभी हम कैसा ये पूरा टिकट है यहाँ पे। ये देखिए ये है कुछ टिकट फॉरेनर 4,55,000, और अगर कंबाइन टिकट फॉर बोरोबुदुर एंड परमानेंट 6,97,000। यस कंबाइन दिस, मतलब अगर हम 4,55,000 यहाँ का लेते हैं, एंड सिंगल टिकट फॉर बोरोबुदुर ओके इन प्राइस गो टू अप 4,55,000 में आप ऊपर तक जा सकते हैं, मतलब ये जो है यहाँ ऊपर तक, और 3,87,000 तक आप यहाँ तक जा सकते हैं। ओके कंबाइंड टिकट लेते तो ओनली इन द ग्राउंड, नॉट अप। तो टिकट जो ले रहा हूँ मैं अपने न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड से ही ले रहा हूँ, और मैं अभी आपको टिकट का क्या मांजरा रहता है ये बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए अगर आप अब जाना चाहते हो, मतलब ये ऊपर तक जाना चाहते हो, तो आप कंबाइंड टिकट नहीं ले सकते। कंबाइंड टिकट अगर लेते हो आप बोरोबुदुर और परमानंद का, तो सिर्फ आप यहाँ तक जा सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल तक। और आपको ऊपर तक जाना है तो सिर्फ इस बोरोबुदुर का ही टिकट लेना पड़ेगा, उसके लिए भी स्लॉट रहता है। जैसे अभी 8:30 बजे अगर ऊपर जाने का स्लॉट है, तो आप टिकट अभी बुक करके 8:30 बजे से 10 बजे तक आप जा सकते हैं। अभी ये जो पहला स्लॉट है ये पूरा बुक हो चुका है, तो सेशन 2 का स्लॉट मैंने लिया जो 9:30 बजे अभी निकलेगा। 9:30 बजे हम ऊपर तक जाएंगे, और 11 बजे तक ये
स्टिल 11 या 11 बजे तक, तो अभी 7:30 बजे तब तक हम 2 घंटे ये नीचे के यहाँ घूमेंगे, फिर 9:30 बजे यहाँ से एंट्री होगी। तो ऐसा है, ये देखते हैं अभी। ओके ओके या 4,55,000 का टिकट है ये ऊपर तक जाने का, वही ले रहा हूँ मैं। ओके एंटर पिन लगभग 2500 रुपये मेरे कट हो गए, 4,55,000 मतलब 2500 रुपये अपने हो गए। 9 बजे का अभी अपना ये रहेगा और 9 बजे अपने को वो टिकट मिलेगा, वे 9:00 दिस टिकट। ओके तब तक नीचे घूमे हम। हाँ ओके 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 थैंक यू तेरी मकासी। ओके नो ड्रोन। ओके ओके ओके। तो 9 बजे अपने को ऊपर जाने वाले स्लॉट में अभी एंट्री मिलेगी, तो 9 बजे हमें वापस यहाँ टिकट काउंटर में आना पड़ेगा। तब तक हमें टेंपल ग्राउंड में हम घूम सकते हैं। टेंपल ग्राउंड मतलब जो ऊपर जो टेंपल बना हुआ है और नीचे जितना फैला हुआ है वो एरिया हम देख सकते हैं। तो वही हम अभी जा रहे हैं। यहाँ बोरोबुदुर टेम्पल में आप इस प्रकार घूमना चाहते हो, साइकिल लेना चाहते हो, तो 15,000 इंडोनेशियन रुपीस, ये बैटरी कार 20,000, गोल्फ कार 25,000 और तांगे की सवारी करना चाहते हो तो 100,000। इस प्रकार है ये। और गार्डनिंग बहुत अच्छा है यार यहाँ का, मतलब बेहद ही खूबसूरत। टिकट काउंटर के आगे गार्डन से चल के आने के बाद कुछ इस प्रकार का पहला लोग दिखता है ये अपने बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर का। सूरज देवता बादलों में कहीं गुम हो गए अभी, इसलिए इतना सूर्य प्रकाश हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बेहद ही खूबसूरत ये व्यू पहला नजर आता हुआ। तो यहां से अभी हम ऊपर जाकर मंदिर देखने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत ये पूरा परिसर लग रहा है और बहुत ही बड़ा ये विशाल मंदिर यहाँ नजर आ रहा है। ये जो बोरोबुदुर मंदिर आप देख रहे हो दोस्तों, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था और ये ऊंचे पहाड़ी पे स्थित है। बोरोबुदुर के इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये कई सालों तक ज्वालामुखी के मलबे के बीच और जंगलों के बीच ढका रहा और बाद में जब ये मिला तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर साबित हुआ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 6 देशों की साइकिल यात्रा में हम इंडोनेशिया के ये सबसे बड़े बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर को विजिट कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये पूरा ये लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली सनराइज़ का टूर होता है, लेकिन सनराइज़ टूर मैंने मिस कर दिया, तो भी ये मंदिर का जो दर्शन है, मतलब आप दिन के समय में कभी भी आए तो मंदिर आपको खूबसूरत लगेगा ही। और ये जो छोटे छोटे आपको मंदिर बने हुए नज़र आ रहे यही इसको खास विशेष बना देते हैं। इस बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर का टिकट लेते हो तो हम जहाँ पे खड़े अभी ये है टेंपल का नीचे का एरिया, यहाँ तक आने का जो टिकट प्राइस है वो मैंने बताया है कितना है। अगर आपको यहाँ से ऊपर तक जाना है मंदिर के टॉप तक, जो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं उसका स्लॉट रहता है वो 7:30 बजे शुरू होता है, दूसरा 9:30 बजे शुरू होता है। मैंने जो टिकट लिया है वो ऊपर तक का लिया है, मेरा 9:30 बजे का स्लॉट शुरू होने वाला है, तब तक मैं नीचे का ही आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। को दोस्तों 1970 के दशक में यूनेस्को के द्वारा रिस्टोर किया गया था और तभी से इस मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया था। इस मंदिर को यहाँ के स्थानिक लोग चंडी के नाम से भी जानते हैं, तो वो नाम किस लिए पड़ा अभी मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो इंडोनेशिया के जो स्थानिक मूल निवासी है वो मंदिरों को, पुरातन मंदिरों को चंडी के नाम से पुकारते थे, इसलिए इस मंदिर को भी वो चंडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर का नाम बोरोबुदुर क्यों पड़ा है, तो बोरो मतलब बड़ा और बुदुर मतलब बुद्ध, बड़ा बुद्ध मतलब बड़ा बुद्ध का मंदिर जहाँ पे है, ऐसा बोरोबुदुर। अभी मंदिर के चारों तरफ हम घूम रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 9 बजे में अभी समय है, तब तक मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर का। ये ज्वालामुखी राख के नीचे दबा रहा था सालों तक, राख और जंगल के बीच छुपे हुए इस मंदिर की खोज एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की थी। गवर्नर
थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स, इन्होंने 1814 में इस मंदिर को खोज निकाला और इस मंदिर का निर्माण करवाया। और गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो मलेशिया से अलग निकला हुआ जो सिंगापुर राष्ट्र हम देखते हैं और सिंगापुर की जो उन्नति आज होते हुए हम देखते हैं, तो उसका जो पाया भरनी थी, मतलब उसका जो निर्माण कार्य का सिंगापुर का शुरू हुआ था, वो भी सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स की वजह से शुरू हुआ था। सिंगापुर में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे स्टैचू इन सर रैफल्स के आपको वहाँ मिलेंगे। जब उनकी यहाँ पे नियुक्ति हो गई, जब इस योग्यकर्ता में वो आए, तो योग्यकर्ता के इस इलाके का उन्होंने मुआयना किया और जब उन्होंने देखा कि यहाँ एक बौद्ध मंदिर ज्वालामुखी के राख में जंगलों के बीच में ढका हुआ है, तब उन्होंने यहाँ पे रिनोवेशन का काम तब शुरू किया था सन 1814 में। दोस्तों सर रैफल्स ने इस मंदिर का किस प्रकार निर्माण कार्य करवाया था, तो सर रैफल्स ने डच इंजीनियर H.C. कॉर्नेलियस को इस मंदिर को जमीन से बाहर निकालने का काम सौंपा था। जब सर रैफल्स को पता चला तो उन्होंने ये काम उनको सौंपा और कॉर्नेलियस के बाद डच प्रशासक हार्टमन ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और साल 1834 में 1834 में इस मंदिर को पूरी तरीके से जमीन से बाहर निकाल लिया गया और 1842 में इसके प्रमुख स्तूप को खोजा गया जो हम अभी देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम अभी ऊपर से चढ़ के वो प्रमुख स्तूप भी देखने वाले हैं। दोस्तों इस मंदिर में जब मैं घूम रहा हूँ ना, तो ये आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत नमूना लग रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ अगर ऊपर से, मतलब ड्रोन उड़ा के अगर हम ऊपर से देखें ना, तो एक तंत्र मंडल कैसे दिखाई देता है, जिस प्रकार हमारा एक मंडल रहता है और जिस प्रकार हम रंगोली बिछाते हैं, उसी प्रकार का ये दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ड्रोन उड़ाना ये है, नो ड्रोन जोन है ये, नो ड्रोन फ्लाइंग जोन, इसलिए हम बाहर से ये मंदिर को देख रहे हैं। लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है ये बेहद ही खूबसूरत है और इसी के वजह से दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए इंडोनेशिया आते हैं। तो यार इंडोनेशिया में जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो बहुत सारे जो अपने ये इंडोनेशिया के स्थानिक निवासी, ये सारे पर्यटकों को बहुत सपोर्ट करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, तेरी मकासी। तो मैंने इन अपने इंडोनेशिया के सारे फ्रेंड्स जो मिले मुझे, मैंने उनको बताया कि मैं साइकिल से आया हूँ, मैं 6 देशों की यात्रा कर रहा हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वेलकम किया और थैंक यू सो मच टू ऑल। ओके थैंक यू। यहाँ पे घूम रहा हूँ ना यार दोस्तों, तो एक सेलिब्रिटी जैसा फील आ रहा है। ये इंडोनेशिया के सारे लड़के, ये स्कूल के लड़कियाँ, बच्चे सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे और मुझे फोटो निकालो, वीडियो निकालो, बस यही कह रहे। मैं बोला यार मैं मंदिर देखूँ या फोटो निकालते बैठूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है और बहुत ही हेल्प, मतलब बहुत ही ये अच्छे लोग है इंडोनेशिया के। दोस्तों इस मंदिर की जो नींव है ये वर्गाकार है, टोटल जो इसकी वर्गाकार की अगर मीटर में मैं बात करूं तो ये लगभग 118 मीटर है, जिसमें टोटल 72 बौद्ध स्तूप है और हर एक स्तूप में बुद्ध मूर्ति रखी गई है और बेहद ही खूबसूरत ये आर्किटेक्चर का बेहद ही खूबसूरत ये नमूना हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें दोस्तों 2672 पैनल है, इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 112 मीटर ऊंचा है और टोटल बुद्ध मूर्तियों की अगर मैं बात करूं तो 504 बुद्ध मूर्तियां इस बोरोबुदुर के सबसे बड़े बुद्ध मंदिर में रखी गई है। तो सही में यार ये बेहद उत्कृष्ट नमूना है और ये देखिए मेरे पीछे पीछे ना ये लड़के आ ही रहे और फोटो निकालो, वीडियो निकालो, बस। लेकिन बहुत अच्छा लगता है इंडोनेशिया में जब आप घूमते हो, व्लॉगिंग करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि यार वीडियो क्यों निकाल रहे हो, फोटो क्यों निकाल रहे हो, बट दैट्स अ नाइस एक्सपीरियंस इन इंडोनेशिया योग्यकर्ता। साल में एक बार, मतलब जिस दिन मई या जून में पूर्णिमा के दिन, मई या जून में अगर पूर्णिमा आती है तो उसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध का जो जन्म दिवस था, यहाँ पे बड़ा सा उत्सव तब मनाते हैं और उस उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे इंडोनेशिया में जो छुट्टी है वो दी जाती है, मतलब जो गवर्नमेंट छुट्टी रहती है वो उस दिन रह जाती है
और पूर्णिमा के दिन ये बड़ा सा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। एक्चुअली कल जब मैं योग्यकर्ता में था तो कल यहाँ पे पूर्णिमा थी। यहाँ पे पूर्णिमा को कहते हैं पूर्णम, और सेम मतलब जैसे हम इंडिया में मनाते हैं पूर्णिमा का सन, पूर्णिमा का उत्सव, हमारे यहाँ दीपावली होने के बाद त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाते हैं। और यहाँ पे भी दीपावली के ही बाद की पूर्णिमा कल मैंने देखी और बहुत अच्छा उत्सव वहाँ मैंने देखा। उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं अभी इसमें ऐड करता हूँ। एक्चुअली मैंने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि ये जो फंक्शन चल रहा है ये डेली होता है क्या, तो ये डेली नहीं होता, ये पूर्णिमा के दिन होता है। जब चांद पूरा रहता है तब अपने यहाँ त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाते हैं। उसी प्रकार व्हाट डू से इन फुल मून इन योर लैंग्वेज? पूर्णिमा या इन इंडिया वी से पूर्णिमा। पूर्णिमा मीन्स सेम सेम या। और ये जो फंक्शन होता है ये सिर्फ and every month there is a Purnima. Yeah. Then every month in Purnima this function. No. Once a year. Once in year. Yeah. Only that's three. Our November. Yeah. In November. Yeah. Okay. मतलब दोस्तों अपने यहाँ गुरु नानक जयंती मना रहे, त्रिपुरारी पूर्णिमा मना रहे, दिवाली के बाद की जो पूर्णिमा मना रहे वो फंक्शन अपने यहाँ चालू है। और यहाँ भी नवम्बर में ये पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। बहुत ही बढ़िया लगा। संयोग से इस बोरोबुदुर का जो नाम पड़ा है उसका सर रैफल्स से भी इसका संयोग जोड़ा जाता है, क्योंकि रैफल्स ने जो कागज पत्रों पे मतलब जो पत्र उस वक्त जो पत्र व्यवहार किए उसमें लिखा है कि बोर गांव के निकट बुदुर का मंदिर, मतलब बोर गांव के निकट बुद्ध का मंदिर, और उसी से ये बोरोबुदुर भी बन गया। बोरोबुदुर यात्रा करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहता हूँ। मेरी इस यात्रा के एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोरोबुदुर में अगर आप सूर्योदय का दर्शन करना चाहते हैं, सनराइज आप बोरोबुदुर मंदिर से देखना चाहते हैं, तो रात को जल्दी सो के 3 बजे आपको योग्यकर्ता से निकलना पड़ेगा। लगभग 1-1.5 घंटे के सफर के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं, तब आपका जो स्लॉट है उसमें नंबर लगना चाहिए, तब आप ऊपर आते हो और सनराइज देखते हो। दूसरी बात, पानी की बोतल अवश्य अपने साथ रखें, क्योंकि गर्मियों का सीजन मतलब गर्मी बहुत रहती है। जब एक बार सूरज ऊपर आ जाए तो बहुत ही गर्मी महसूस होने लगती है, पसीने छूट जाते हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें। तीसरी बात, एक कैप अवश्य अपने साथ रखें, क्योंकि अभी तो सूरज देवता इतने तीव्र नहीं है, लेकिन एक बार सूरज उग गए तो बहुत ही गर्मी यहाँ महसूस होने लगती है, तो अपने साथ एक हैड भी रखें। मंदिर के ऊपर जाने के लिए अभी ये जो टिकट ले आई 9 बजे बुलाया था, तो 9 बजे अभी हम टेम्पल ग्राउंड से अभी फिर से टिकट काउंटर पर आए हैं। यहाँ से अभी हम मंदिर के ऊपर जाने का टिकट हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ये है टिकट अपना। टिकट लेने के बाद फ्री मिनरल वाटर ले लीजिए, और बाद में ये देखिए ये चप्पल स्टैंड है, यहाँ से आपके चप्पल उतार के यहाँ की जो ऊपर जाने के लिए चप्पल रहती है वो चप्पल अभी यहाँ से लेनी पड़ी। तो कुछ इस प्रकार की पादुकाएं पहनने के बाद हम चलते हैं मंदिर की तरफ, और हम जो पहन के पादुकाएं आते हैं उसे ये थैली हम दे उसके लिए थैली ये देते हैं। तो चलते अभी देखते अपना टूर कौन सा है। यहाँ पे मेरा जो टूर गाइड नंबर है ये 30 है। गाइड आने तक यहाँ बड़े से हॉल में हमें वेट करना पड़ेगा। मेरा जो गाइड नंबर है ये 30 है। आपको एक गाइड नंबर दिया जाएगा, उस हिसाब से गाइड आपके पास आएगा और वो गाइड ही आपको पूरा मंदिर घुमाएगा। मेरा कार्ड नंबर है 30, और ये देखिए ये 30 नंबर के अपने टूर गाइड यहाँ पे है, और यहीं से अपनी टूर स्टार्ट होगी। इस प्रकार अलग अलग नंबर से ये टूर गाइड्स के साथ अपनी टूर यहाँ पे स्टार्ट होती है। अभी जो टूर गाइड ने हमें जानकारी दी उसके अनुसार ये देखिए ये जो चप्पल हमने पहनी है इसके ऊपर लिखा है उपान तान,
उपन तान मतलब इसका जो अर्थ है दोस्तों, मतलब हम इंग्लिश में जिसे बोलते हैं फुटवेयर, उसे संस्कृत में बोलते हैं उपन तान, और उसी उपन तान का ये उस पर लिखा गया है। मतलब ये इससे समझ में आता है कि हिंदू संस्कृति से कितना मेल खाता हुआ ये कल्चर हमें यहाँ बोरोबुदुर में दिखाई देता है। If accumulation when someone can control the desire is more than when cannot control desire, therefore his good action, the reward will be more than the bad action. तो ये स्कैन करेंगे अभी हम। स्कैन स्कैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ से अभी 89 सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू होगा अपना। अभी बोरोबुदुर के टॉप पे आए हम। मतलब यहाँ का जो ये जो है ये लगभग छठा भाग है, छठी मंजिल है जहाँ पे हम घूम रहे हैं। बुद्ध की जो 6 अलग अलग ध्यान मुद्राएं हैं, अलग अलग दिशाओं में जब हम इस मंदिर में घूमते हैं तो अलग अलग मुद्राएं आपको नजर आती है। भगवान बुद्ध की 6 मुद्राएं हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। उसमें पहली जो मुद्रा है वो भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब पृथ्वी साक्षी है और भगवान बुद्ध को जो आत्मज्ञानी की प्राप्ति हुई वही उसका प्रतीक है। दूसरी जो मुद्रा है वो वरद मुद्रा, मतलब भगवान बुद्ध दानवीर का प्रतीक है, मतलब अपने जीवन में दान का कितना महत्व है वही उस मुद्रा से हमको समझ में आता है। तीसरी जो मुद्रा है वो अभय मुद्रा, मतलब भगवान बुद्ध हमारा रक्षण कर रहे हैं और उसी का वो अभय मुद्रा का प्रतीक है। चौथी जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा, मतलब भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं वही उस मुद्रा का प्रतीक है। पांचवी जो मुद्रा है वो धर्म परिवर्तन चक्र मुद्रा, और इस मुद्रा का संबंध अपने भारतीय कल्चर से है। सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने पहला अपना संदेश दिया था और ये मुद्रा उसी से निगड़ी थी। भगवान बुद्ध अपना संदेश अपने सारे अनुयायियों को दे रहे हैं। और आखिरी जो मुद्रा है वो वितर्क मुद्रा यानी तर्क या पुण्य। भगवान गौतम बुद्ध आपको पुण्य और तर्क इसका पूरा सारांश बता रहे हैं, यही वितर्क मुद्रा। और यही 6 मुद्राएं पूरे इस बोरोबुदुर के मंदिर में दिखाई गई है। बहुत ही खूबसूरत ये पूरा वर्क यहाँ नज़र आ रहा है। अभी जो हम खड़े हैं वो एकदम ऊपरी हिस्से पे खड़े हैं, और वो जो रास्ता जहाँ से हम नीचे आए, सामने बादलों में छुपा हुआ जो पर्वत आप देख रहे हैं वो मेरापी पर्वत है। वो एक्टिव वोल्केनो है, मतलब उसी वोल्केनो की जो राख आई थी उसी की वजह से और वो जंगलों की वजह से ये पूरा मंदिर कहीं गुमनामी में खो गया था, लेकिन जो अधिकारी मैंने आपको बताया, जो अधिकारी आए उनकी बदौलत ये मंदिर पूरी पुनर्निर्माण किया गया। यूनेस्को ने भी इसका रिस्टोरेशन किया गया और ये यूनेस्को की आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडोनेशिया योग्यकर्ता की। स्मारक के 3 भाग 3 लोगों को प्रतिमात्मक रूप से निर्धारित करते हैं, काम धातु, रूप धातु और अरूप धातु। काम धातु मतलब इच्छाओं की दुनिया, रूप धातु मतलब रूपों की दुनिया, और अरूप धातु मतलब अरूपों की दुनिया। इसी दुनिया में मनुष्य का जीवन चलता रहता है और इसी का पूरा प्रतीकात्मक रूप इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप योग्यकर्ता में हो तो विश्व के सबसे बड़े इस बुद्ध मंदिर को कैसे विजिट कर सकते हो, इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है, इसके टूर किस प्रकार कर सकते हो, इसकी टिकट प्राइस क्या है, ये सारी जानकारी देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की। तो वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जो रहने वाला है मेरा वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर, प्रम्बानंद मंदिर। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।